हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, आज का वीडियो फिर से है एक ममा आर्ट वर्सेस वाओ वाला वीडियो, जहां पे मैं कंपेयर करने वाली हूँ ममा आर्ट के फेस वॉश वर्सेस वाओ के फेस वॉश। तो मेरे पास दो फेस वॉशेस है जो कि फेस वॉश जैसा फेस वॉश है, कोई भी बिल्ट इन वाला नहीं है। एक है वाओ का फेस वॉश, ये है योगर्ट वाला फेस वॉश, और दूसरा है ममा आर्ट का विटामिन सी वाला फेस वॉश। दोनों का मैं आज कंपेयर करूंगी और ये कंपैरिजन को मैं 6 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ, जहाँ पे मुझे कंपेयर करना है ये दोनों के पैकेजिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, इसका डेमो प्लस इफेक्ट एंड मेरा ओपिनियन। ये 6 पार्ट में मैंने ये वाले कंपैरिजन वीडियो को डिवाइड किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है पैकेजिंग। अगर मैं दोनों के पैकेजिंग के बात करूं सबसे पहले, तो दोनों का पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम तरह की है। जैसे कि ऊपर का ये वाला पार्ट है ट्यूब वाला पार्ट, इसका भी ट्यूब वाला पार्ट है, दोनों का ही कैप है और दोनों में जैसे प्रिंट्स वगैरह होते हैं वैसे ही है। सिर्फ इसका जो कैप है वो गोल्डन है और इसका जो कैप है वो वाइट है। पैकेजिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा दोनों के किसी में भी। अब मैं करती हूँ ये दोनों के क्वालिटी के बात, मतलब कि पैकेजिंग के क्वालिटी के बात। तो सबसे पहले बता दूं कि ममा आर्ट जो है वो है प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड। तो जितना ज्यादा प्लास्टिक ये लोग यूज करते हैं, उतना ज्यादा प्लास्टिक ये रिसाइकल करते हैं। तो वाओ में वैसा कुछ क्लेम्स वगैरह है नहीं। और प्लास्टिक के क्वालिटी बताओ तो दोनों का मुझे सेम लगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छा है और ये बहुत खराब है, या ये बहुत अच्छा है ये बहुत खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का पैकेजिंग बिल्कुल भी सेफ है और क्वालिटी वाइज ये जो प्लास्टिक इन्होंने यूज किया है ये भी बहुत अच्छा है। कोई भी ऐसा होता है ना कि बहुत गंदा वाला फ्रेग्रेंस आते हैं किसी किसी प्लास्टिक कंटेनर से, इसमें से वैसा वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही ओके है। अभी बात करते हैं क्वांटिटी की। इसमें भी आपको मिलते हैं 100 ml ममा आर्ट में, और वाओ में भी आपको मिलते हैं 100 ml, जो कि ये दोनों का सेम क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी में भी कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी बात करते हैं प्राइस की। जैसे कि वाओ का प्राइस भी इसमें है 249 और ममा आर्ट का भी जो 100 ml वाला क्वांटिटी है उसका प्राइस है 249 rupees। सो दोनों का ही आपको 249 rupees में 100 ml मिल रहे हैं। अभी दोनों में जो क्लेम्स किया हुआ है क्वालिटी वाइज या डर्मेटोलॉजिकली टेस्ट वाइज, उसका मैं डिस्कशन करूंगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसमें क्या डिफरेंस है डर्मेटोलॉजिकली, जो कि आपको हेल्प करेगा चूज करने में कि कौन सा वाला आपको चाहिए। और उसके बाद मैं इसका डेमो और इसका इफेक्ट लाइव आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि ममा आर्ट के पैकेजिंग के ऊपर क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के एक बार बता देती हूँ, और दूसरा मैं वाओ का भी पढ़ के आपको बताऊंगी। पैराबिन फ्री एंड SLS फ्री डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप। और इसके पीछे लिखा हुआ है ये है टोटली क्रुएल्टी फ्री। इंग्रेडिएंट्स पे मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि दोनों का रेंज डिफरेंट है, तो इंग्रेडिएंट्स भी डिफरेंट होगा, इसको कंपेयर करने से कोई भी फायदा नहीं है। जब कोई भी सेम रेंज का मैं प्रोडक्ट को कंपेयर करूंगी तब आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। मेरे अगले जो वीडियोज आने वाली है उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स का कंपेरिजन मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं वाओ की तरफ। वाओ के पैकेजिंग के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो सिलिकन एंड नो एडेड कलर। और इसके ऊपर और लिखा हुआ है ये भी है क्रुएल्टी फ्री, जो आपको पीछे देखने को मिलेगा, और सारे जो सर्टिफिकेशंस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों के अगर मैं क्लेम्स की बात करूं जो इसके पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ है, उसमें देखा जा रहा है कि इसमें लिखा हुआ है वाओ पे लिखा हुआ है नो एडेड कलर, जो कि ममा आर्ट में मेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा एडेड कलर हो सकते हैं। क्योंकि इसका जो मैं कलर आपको दिखा देती हूँ, देख सकते हो थोड़ा सा लेमनिश सा कलर है इसका, तो इसमें थोड़ा सा एडिट कलर हो सकते हैं। तो यही था दोनों का बेसिक जो कंपैरिजन है वो। अभी मैं अप्लाई करूंगी इसको दोनों साइड में, मेरे फेस के दोनों साइड में ये दोनों फेस वॉश इसमें अप्लाई करूंगी, और उसके बाद इसका इफेक्ट क्या होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं यहाँ पे पहले यूज़ करने वाली हूँ वाओ का योगर्ट वाला फेस वॉश। तो मैं फेस के एक साइड पे ये वाओ का फेस वॉश यूज़ करूँगी और दूसरे साइड पे करूँगी ममा आर्ट वाला। तो मैं एक साइड में इसको कर रही हूँ और मैं कोई भी फास्ट मोशन में नहीं दिखा रही हूँ, ताकि आपको पूरे जो प्रोसेस है वो पता चले। तो इसमें थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि इसमें सोप आ रहा है। अभी ममा आर्ट का विटामिन सी वाला फेस वॉश मैं फेस के दूसरी तरफ यूज़ कर लेती हूँ, और ये एकदम लेमन येलो तरह की है और जेल कंसिस्टेंसी में है।
तो आप देख सकते हो इस साइड पे मैं ममा अर्थ यूज़ कर रही हूँ और इसमें कोई भी सोप नहीं है। इससे एक बात तो क्लियर है कि सोप का जो क्वांटिटी है वो ममा अर्थ में कम है, यानी कि पीएच बैलेंस्ड ज़्यादा है ममा अर्थ वाला फेस वॉश। और बाकी के डिटेल्स आप बाद में देख लीजिए कंपेरिजन में आखिर में कौन सा वाला ब्रांड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो अभी मैं फेस को वॉश कर लेती हूँ। तो वॉश करने के बाद ना मुझे वाओ वाला साइड ज़्यादा पसंद आया है, पता नहीं क्यों ज़्यादा क्लीन लग रहा है मुझे वाओ वाला साइड मामा अर्थ के मुकाबले। तो आई होप आपको दोनों का रिजल्ट देखने को मिला मेरे फेस पे। अगर मैं दोनों का अभी फाइनल कंपैरिजन करूँ तो मुझे मामा अर्थ के मुकाबले वाओ ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद, वैसे भी ये योगर्ट वाला है जिससे स्किन ड्राई होना चाहिए था बट वैसा कुछ हुआ नहीं, इससे मेरे स्किन और ज़्यादा हाइड्रेटेड हो गया है। बट मैं विटामिन सी की बात करूँ तो विटामिन सी में है फेस को ब्राइटनिंग करने का एक बहुत अच्छा सा प्रॉपर्टी, और उसके ऊपर इसमें है टर्मरिक और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपके स्किन के ब्राइटनेस को बढ़ाता है, आपकी स्किन से टैनिंग वगैरह को दूर करता है। बट दोनों साइड में दोनों को यूज़ करने के बाद मुझे इसका इफेक्ट पता नहीं चला। आज नहीं, मैं ये दो फेस वॉश बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। आप देख ही सकते हो कि इसका ऑलमोस्ट यहाँ पे टैप हो चुका है बट ये अभी भी भरा हुआ है, क्योंकि इसका कोई भी इफेक्ट मुझे पता नहीं चला। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, दोनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आपको देखना है, खुद टेस्ट करना है, बट कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लेना। अगर आपको सूट नहीं करता है तो कभी मत यूज़ करना। तो फाइनल मेरा कंक्लूशन यही है कि मुझे ममाअर्थ फेस वॉश के मुकाबले वाओ का फेस वॉश ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट दिखता है आपको फर्स्ट यूज़ से, बट ममाअर्थ का बहुत सारे यूजर्स के बाद भी मुझे पता नहीं चलता है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पता चला कि मुझे कौन सा ब्रांड पसंद है, मैं अगर फेस वॉश की बात करूं और ये दो ब्रांड्स की कंपैरिजन करूं तो मुझे कौन सा ब्रांड ज़्यादा पसंद है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। और ये दो ब्रांड में से फेस वॉश के लिए आपको कौन सा पसंद है ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वेरी गुड बाय, टेक केयर।